नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आमतौर पर राजनीति की एक ही तस्वीर दिखाई देती है और ये तस्वीर होती है नेताओं के कदाचार की, भ्रष्टाचार की। लेकिन हर तस्वीर का एक और पहलू होता है और इस पहलू में छिपी होती है सुकून भरी बातें। राजस्थान विधानसभा में चौथी बार जीते एक विधायक की कहानी कुछ ऐसी ही है। आदिवासी बहुल इलाके बांसवाड़ा से बीजेपी के इस विधायक की सादगी और ईमानदारी ऐसी है कि आप भी बरबस कह उठेंगे सलाम साहेब। क्या आप थक चुके हैं? क्या आप पक चुके हैं? क्या आप निराश हैं? क्या आप हताश हैं उन नेताओं से, उन नीति नियामकों से जो भ्रष्ट हो चुके हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, जिनकी वजह से पूरी व्यवस्था में आपको सड़ांध नजर आने लगी है? आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि ईटीवी के जरिए हम सलाम करने आए हैं उन नेताओं को जो आज भी अपनी ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ अपना काम पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, उनका पुराना वाद्य यंत्र है जो यहाँ पर है, इसी के जरिए वो अपना मनोरंजन करते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रिज नहीं है, वो मटके हैं, वो कलश हैं जिनके वो अंदर पानी है और उसी के जरिए वो यहाँ आने वाले लोगों की आवभगत करते हैं। ये अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि चार बार का एक विधायक किस तरह के घर में रहता है, किस तरह से अपनी सादगी के साथ जीवन व्यतीत करता है। ये एक छोटा सा टीवी इस बात का संकेत है कि वो दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन न ये एलईडी है न एलसीडी है। जी हाँ, ये घर है चार बार से घाटोल से विधायक नवनीत लाल नीनामा का, जिनका जन्म 3 सितंबर 1939 को हुआ था। यानी एक गांधीवादी जीवन को जीते हुए नवनीत लाल नीनामा ने अपनी राजनीति शुरू की और चार बार से विधायक होने के बावजूद एक सीलन भरे कमरे में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। नीनामा साहब, आपको ईटीवी सलाम करता है, आपकी सादगी को सलाम करता है, आपको सैल्यूट करने के लिए हम यहां पर आए हैं और ये कहने आए हैं कि सलाम साहिब। हम सलाम इसलिए करने आए हैं क्योंकि इस वक्त में जब एक सरपंच से लेकर ऊपर तक के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों के साथ राजनीतिक सफर शुरू करते हैं, उनके बीच एक ऐसा सियासतदान भी हमारे बीच में है जो चार बार से विधायक है लेकिन आज भी उसी टापरी में रहता है और उसी अंदाज में जीवन जीता है। इनामा साहब, आपको फिर सलाम करते हैं हम, क्योंकि आप एक ऐसे वक्त में एक दीपक की तरह है जिस तरह से जो रोशनी देता है, निराशा को दूर करता है और एक उम्मीद जगाता है कि नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये कभी आपको लगा कि आपके साथ वाले नेता कहाँ कहाँ पहुंच गए, उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं? ये हो रहा है मेरे साथ में क्या? मेरे यहाँ बांसवाड़ा क्षेत्र में तो मैंने मेरे हाथ से पैदा किए हुए व्यक्ति भी अभी मेरे से आगे निकल रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो देश आजाद हुआ और हम आरक्षण से एमएलए तो आरक्षण में ऐसी स्थिति है कि जब हमारा परिवार नहीं उठ रहा है, परिवार साल में कोई समाज सुधार के नाम से चलता और मेरा मन भावना ये कि समाज जब ऊपर नहीं आएगा तब तक जो है देश का राज है वो राज अकेला ऊपर जाएगा तो आजादी का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक तो मेरी मंशा ये है, तो इसीलिए मैं तो यही मानता हूँ कि पहले हमारे बाप दादा रियासती जो जागीरदारी के जमाना था वेट बेकार करते थे, अब वेट बेकार नहीं कराते हैं, हम आराम से रहते हैं, खेती करते हैं और अभी मैं एमएलए हूँ
और एमएलए के नाते अच्छी से अच्छी जगह हम राजस्थान की विधानसभा में बैठते हैं, सब तरह से हमको सुविधा मिली है सरकार में। ये जो सुविधा है वो मकान में रहा या खेती वैसे कर रहे हैं हम, लेकिन सरकार की तरफ से जो सुविधा में दी गई है वो मैं खूब सुविधा मानता हूँ। कि आपके हिसाब से जो कुछ मिल रहा है बहुत कुछ बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, यानी हमको सब तरह से ज्ञान भी, कानूनी प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं, किताबें दी जाती हैं और समाज सुधार के लिए। और अभी हमारी जो सरकार बनी, अच्छा, आपके पास ये संस्कार कैसे आए? आप तो बता रहे हैं कि गांधी पाठशाला में आप पढ़े, उसके बाद तो मैं महात्मा गांधी यानी गांधी आश्रम प्रतापपुर में पढ़ता था मैं, जहाँ सुबह हमको 4 बजे उठाया जाता था और पूरे गांव में, प्रतापपुर गांव है वहाँ, हमको गलियां साफ कराई जाती थी, हम गलियां साफ करते थे। जो जूनियर है आपके, हाँ, तो जब हवाई जहाजों में उड़ते हैं और आप सड़क पर चलते हैं तो कितना फर्क महसूस होता है? कई बार लोगों को ये भी लगता है कि आप आदिवासी हैं, वंचित समाज से हैं, संघर्ष करते हुए, हाँ, आगे बढ़े हैं, हाँ, आपने कमाना नहीं सीखा इसलिए आप कमा नहीं पाए। हाँ, कमाना तो ऐसा है कि हम किससे कमाएं, यानी आम व्यक्ति किसी अफसरों से काम करते। मेरे अपने क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, थानेदार हैं, SDO हैं, कलेक्टर हैं, तो इससे तो हम काम कराना ही हमारा खूब है। अब कोई अधिकारी अधिकारियों से भी सौदा करते लेते हैं, पर वो मेरा ये सौदा नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो हैं इनको सरकार तनख्वाह देती है और अपना कहना वो माने। मैं अपना कहना अफसर जो मानता है उसी को भी मैं आदर करता हूँ और काम कराने की वजह। कभी पीड़ा होती है, कभी आपको यूँ लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाया, या आपको खुशी होती है कि मैंने नहीं किया? हाँ, फख्र होता है या दुख होता ऐसा है? दुख तो मुझे और कुछ नहीं, दुख इस बात का है कि इतना जरूर दुख होता है मुझे कि मेरे पर कई प्रकार के अन्याय हुए। इमरजेंसी के दरमियान हम गए हैं, 11 रोज का रिमांड लिया था मेरा। कभी मन नहीं होता कि बांसवाड़ा में रहे, उदयपुर में रहे, जयपुर में रहे, बंगला लें, कोटे में भी मिलता है? मुझे तो पता चला कि आपने वो अपना रजिस्ट्रेशन भेज दिया परेशान होकर के। हाँ, वो तो ऐसा है कि नहीं, मैं मुझे वहाँ शहरों में जाकर के रहने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अपन गांव में हैं, यहीं हैं, रह रहे हैं, और अभी गांव का सुधार नहीं होगा तब तक जो है, गांव और खेती का सुधार नहीं होगा तब तक हमारा देश के कोई नेता और सरकार कह रही है, करोड़ों रुपया आज खर्चा भी हो रहा है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये भी भाषण भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आम पब्लिक में जाकर के अगर देखें ना, कहीं आज की तारीख में जो मैं निकल रहा हूँ, मुझे ये रिकॉर्ड तैयार कर रहा हूँ, वहाँ पीपलखोट क्षेत्र के ऐसा क्षेत्र है कि आज वहाँ पीने का पानी नहीं है। इसलिए आपको गर्व होता है अपनी ईमानदारी पे? हाँ, मुझे गर्व है ईमानदारी पे कि आरक्षण दिया है हमें समाज सुधारने के लिए, लेकिन और पैसा भी मिल रहा है, लेकिन इतना पैसा मिलने के बावजूद है, एक तो जनता में समझदारी की कोई कमी का कारण मैं अनुभव करता हूँ, और दूसरा ये भी है कि जो कानून जानने वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। आपके साथ वाले, आपके बाद में आए हुए, आपसे सीखने वाले, आपके सहारे राजनीति में जाने वाले, वो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, पैसे कमा रहे हैं, आपको दुख होता है कभी कि वो गलत रास्ते पे चले गए? और दुख तो नहीं होता मुझे, दुख तो इनसे नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि कहें इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है व्यक्ति को अगर गिनती में आदर करने में कहीं भूल कर देते हैं, इस बात का दुख है। कोई मेरे बगल में बैठने वाले आगे बढ़ गए वो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वो तो आगे तभी बढ़े कि अभी आजादी आई तब वो आगे बढ़े, अकेले बढ़ नहीं सकते थे। नहीं, जो बेईमान है उन लोगों को, बेईमान है वो तो गलत है, इन्होंने जो योजना इस प्रकार की, सरकार के पैसों की नाजायज रूप से लाभ उठाया, किसी अफसर को दबा करके कहीं पैसा ले, किसी ट्रांसफरों में पैसा ले लिया, और इस प्रकार की व्यवस्था करके जो आगे बढ़ रहे हैं, ये भारी भूल है, ये आजादी का दुरुपयोग है।
आप इतने लंबे टाइम से एमएलए हैं, कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ पे आपके बंगले मकान है? मेरे कई जमीन के बंगले अंगले के नहीं, मेरा तो बंगला यही है, यही रहना और ये खेत पे रहना, खेती करना, यही अपना उसको मैं बंगला मानता हूँ। बाकी मैंने जो एक प्लॉट जो लेने की जो प्लॉट मिलते थे वो लेने का, तो वो भी गफलत में पड़ गया। और जो है ये जयपुर के अंदर जो लोगों ने यानी बिसुलिये जमीन के बिसुलिये बीच में पड़ गए, तो उस प्लॉट को जो है गफलत में डाल दिया और वहाँ मेरे को यहाँ नहीं देकर भिवाड़ी में दे दिया। तो मेरा भिवाड़ी में जाने का हुआ नहीं, मेरी योग्यता वहाँ जा करके अपने लड़के रहे और मैं रहो या कोई कारखाना वक्त तो ऐसी स्थिति मेरी नहीं थी, तो वो तो मैंने सेल कर दिया। कितने में? सिर्फ पर दो लाख के अंदर सेल कर दिया। सिर्फ दो लाख रुपए कर दिया जो है वो गया, क्योंकि वो पैसा मैंने जमा कराया था तो इतना पैसा वापस आया, वो पैसा जमा कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन भेज दिया। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन पर दे दिया। मतलब आपके भी बूते का नहीं है कि आप कहीं सरकार की सुविधा भी ले पाए? हाँ, इतना वो था नहीं मेरे। तो लोगों को आपकी इसकी कमजोरी समझना चाहिए या आपकी ईमानदारी को समझना चाहिए? ये जो अभी अपने, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं जो भद्र पुरुष हैं, जो अपने आप को बेहद समझदार समझते हैं, वो ये कहते हैं कि लोग ईमानदार इसलिए बने रहते हैं कि उनको बेईमानी सीखी नहीं, बेईमानी करना नहीं आता, वो कर नहीं पाते, इसलिए ईमानदार। बेईमानी करने के लिए अधिकार कहीं भी, आजकल अगर बेईमानी जो करते हैं ना, मैं इनका तो सख्त विरोधी हूँ। सेवा ही करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि अभी भी अपन बात कर रहे हैं, अभी भी कोई एक दो लोग अभी भी आ जाएंगे और भी रास्ते में इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आते हैं कि पैसे ले लो, ट्रांसफर करा दो? हाँ, ट्रांसफर के लिए खूब आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कागज आते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ट्रांसफर के नाम से कोई पैसा नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीनामा साहब, आप उस दिए की तरह हैं जो खंडहर में उजाला कर सकता है। किसी ने कहा भी है कि इस खंडहर में सिर्फ एक ही दिया है, इसी से काम चलाओ, बड़ी उदास है राम। जी हाँ, तपती रेत के बीच एक ठंडी बयार की तरह है घाटौल से विधायक नवनीत लाल निनामा की कहानी। इसी आदिवासी इलाके में एक विधायक ऐसे भी रहे हैं जिनकी संपत्ति लोग एक दो करोड़ में नहीं, सैकड़ों करोड़ में आंकते हैं, लेकिन निनामा कुछ इस तरह की मिट्टी से बने हैं कि आज भी अपना खेत खुद जोतते हैं और चाहते हैं कि भावी पीढ़ी भी उनके इसी रास्ते पर चलते हुए जन सेवा करे। कहानी अंधेरे में टिमटिमाते इस दिए तक सीमित नहीं है, इससे मिल रही रोशनी भी अपने आप में देखने काबिल है। आपके परिवार से मिलना चाहेंगे हम नीनामा साहब। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं दो। दो बच्चे हैं? हाँ, एक तो सामने रहता है और एक ही अभी जो घूम रहा है वो। अच्छा। हाँ, और बेटियां? बेटियां चार हैं। अभी जो पोते पोती हैं, परिवार है। हाँ, वो क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, सब पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये परिवार है आपका? हाँ, ये परिवार है। तो इनकी कभी कोई शिकायत नहीं होती, ये कोई नाराज नहीं होते आपसे? नहीं, ये कभी नाराज नहीं होते। नहीं, इनको लगता होगा ना, कभी जयपुर ऊपर जाते होंगे, इनको लगता होगा कि फलाने एमएलए साहब के पास तो ये है, उनके पास ये, एक बार जीते तो भी उनके पास ये आ गया, आप तो चार चार बार जीत के कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये इसके मन में होता होगा, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अभी भी मेरे घर पे जो पूरे विधानसभा क्षेत्र का आते रहते व्यक्ति, और वो सब इनका चाहे दूर आता है, उनको सबको इनको कहता हूँ कि मैं रोटी खिला के भेजो और चाय पिए बिना मेरे घर पे। कोई इनकी ड्यूटी आपने लगा रखी है कि आप काम करते रहो, बस लगातार काम करते। ये क्या है, इसके ऊपर क्या है? बस ये तो कोई ये सामान रख देते हैं, ये बच्चे सो जाते हैं। बच्चे सो जा, हाँ बच्चे भी सोते हैं, लेकिन अभी तो सामग्री ये चाने गोबर वगैरह को रखते हैं ना, समोसे में फिर जो है खाना वगैरह बारिश में वहाँ सारा सामान अंदर, क्योंकि कंडे हैं, कंडे वगैरह ये रख देते हैं। ये
सेवा करती हैं आपके बेटे की बहू? हाँ सेवा करते हैं अच्छा इनके आधार पर ही थे ये सारा गरीब ने इनके भरोसे तोड़ दिया मैं तो आता हूँ क्या कहते हैं ये बस मेरे नाम से पुकारते है मणि मणि बहू नहीं कहा मेरे माँ बाप वहाँ थे आई भी माँ बाप है मेरे सास भी ऐसे ही है मेरे माँ तरह मेरे बाबूजी भी ऐसे ही है और बच्चे हैं तो बच्चे मैं आगे पढ़ाना चाहती हूँ मैं पांचवी तक पढ़ी लिखी हूँ ज्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं पर फिर भी भगवान ने किस्मत से यह घर अच्छा मिला मेरा ससुर जी अच्छा मिला मेरा पति भी अच्छा है। कितने खुश नसीब मानती हूँ कि नीनामा साहब जैसे ससुर आपको मिले। हाँ भगवान बराबर मानती हूँ सर अगला जन्म में मेरा ससुर जी ऐसा ही है तो अच्छा रहेगा ये भगवान को प्रार्थना करते सुबह सुबह अगरबत्ती जलाती हूँ दीवाबत्ती करती हूँ कि माँ बाप को आगे तक बच्चे को ऐसे होना चाहिए। क्या कहते हैं बच्चों के लिए क्या कहते हैं? बच्चों के लिए साहब मैं तो पांचवी तक पढ़ा लिखी हूँ लड़की बीएड कर रही है और बच्चा भी ये बोलते हैं कुछ बच्चों को कि भाई तुम ये करना ऐसे करना टाइम तो मिलता है नहीं कभी कभी आता एक साथ बैठते हैं हमें तो बेटा आप लोग आज तक नहीं बढ़िया आगाड़ी तक तो बेटा को पढ़ाओ परिवार इकट्ठे रखो एक साथ रहो धरने जटने भाई बहन ननन नंदिया परिवार इकट्ठे रखने का मेरे बाबूजी कहते रहते हैं तो पूरा घर पूरी विधानसभा कभी भी कभी आप नाराज नहीं होते नहीं, कि बाबूजी आपने कैसे घर में रखा हुआ वो फलाने एमएलए साहब के तो बंगला बन गया उनके लिए गाड़ी आ गई बाबूजी की उम्र खपी गई और हम भी यही हैं तो बाबूजी की इच्छा हो तभी मकान बनाएंगे नहीं तो फिर मेरे बेटे बेटा भट रहे थे वो भी कभी ना कभी बनाएंगे सर हमें ये दर्द नहीं है बाबूजी मकान नहीं बनाया 7 साल एमएलए रहे ये दर्द नहीं हमारे दिल में पब्लिक के लिए अपने नेता सुनते हैं तो पब्लिक के लिए सुनने जाते मैं अभी वर्धमान में नहीं, दुख नहीं होता कभी नहीं कभी नहीं होता। अच्छा ये क्या कहते हैं बच्चे कैसे बनने चाहिए ईमानदार होने चाहिए ईमानदार होना चाहिए कोई गद्दारी नहीं करनी चाहिए अच्छी लाइन पकड़ो अच्छे रास्ते जाओ गलत रास्ते नहीं जाना इनाम सब आपका अंदर से देख सकते हैं घर थोड़ा और हाँ हाँ देखो ना आपने बहुत खूबसूरत तरीके से सजा रखा है सजा रखा है सामने सजावट सामने सजावट तो यही है हमारी जो रीति है आदिवासियों में जो है अभी भी चूल्हे पे आपका चल रहा है अब तो चूल्हा गैस आ गई हाँ गैस आ गई प्रधानमंत्री जी ने गैस दे दी हाँ दे दी गैस दे दी तो गैस भी है तो वो चाय वाय बनाते हैं इसमें अंदर बनाते हैं बाकी रोटी तो ये लकड़ी से बनती है लकड़ी है अपने पास में सब जगह हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है लेकिन यहाँ आने के बाद लगा है कि नहीं सब कुछ खत्म नहीं हुआ है उम्मीदें जिंदा है पर आप एक ऐसी पीढ़ी छोड़ करके जा रही हैं आपकी पुत्र वधू जो बता रही है कि बच्चों को किस तरह के आप संस्कार दे रहे हैं उससे एक उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा छोड़ करके जाएंगे एक अच्छी विरासत के साथ आप जाएंगे ईश्वर आपको एक लंबी उम्र दे और आपको एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि सलाम साहिब तो यहाँ पर आपने देखा कि सच्चाई और सादगी के साथ ये विधायक अपना जीवन जीते हैं कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद तो 78 साल के नवनीत लाल निनामा के लिए राजनीति साध्य है साधन नहीं और इस सोच का ही असर है कि गांधीवाद के रास्ते सियासत में आए निनामा अपने इलाके के लोगों के लिए सबसे बड़े आदर्श हैं। जब इलाके की जनता मुरीद हो तो परिवार तो ऐसे बिरले शख्स पर फक्र करेगा ही करेगा भरोसा ना हो तो जरा लोगों की जुबानी ही सुन लीजिए चार बार एमएलए रह चुके हैं उसके बावजूद भी उनकी स्थिति जो पहले थी वही है ओनली ये पब्लिक की सेवा चाहते हैं बाकी घर की कोई उन्नति ना तो की है कि ना अपने निजी कोई संपत्ति की उन्होंने ये पब्लिक है तो उनकी सेवा मैं हूँ तब तक करता रहूँ ये उनकी आत्मा है बाकी पैसों के पीछे धन दौलत के पीछे कभी नहीं भागे वो आज भी कृषि का काम कर रहे हैं घर पे और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं हमारे आधी रात को जरूरत पड़े तो वो आ जाते हैं खुद के बर्तन खुद साफ कर लेते हैं अपना जूठा दूसरों को नहीं सफाई करवाऊँ अपने कपड़े धो लेते हैं वो और
किसी भी काम के लिए एक रुपया कोई किसे लेते नहीं है, किसी का कैसा भी काम हो अधीरा को वो तैयार हो जाते हैं। बढ़िया है, मतलब विजन सबने बिल्डिंग बनी की अड़ाने बिल्डिंग नहीं बनी केम क्या सब पब्लिक ने हाथे है खूब बढ़िया है कि भी काम पड़ी जाए रात उठी ने जाता रहता अभी जी। इस गांव में एक स्कूल है तो वहाँ वहाँ का कोई भी फंक्शन में बाबूजी जरूर आते और उनको उन बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ कुछ प्रोत्साहन वगैरह देते और उनका मतलब स्कूल में कोई फर्स्ट आ जाए तो उनको प्रोत्साहित राशि देना मतलब उनके मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए आगे भेजना। और सबसे मेन चीज़ उनके लगी कि पहले हमारे गांव में यूँ था कि जो भी बहुएं हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन बाबूजी के एक बार कहने पर लोगों ने उनकी बातें सुनी और उनको पढ़ने के लिए आगे भेजा। और उनकी और उन्होंने ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मतलब थे उनको पढ़ने के लिए हमारे साथ ही उदयपुर भेजा। और उनकी सादगी की बात की जाए तो जहाँ तक आप अभी के जिस सदी में जी रहे हो 21वीं सदी कहते हैं तो उसके हिसाब से तो नेता आप आलिशान गाड़ियां बंगलों में रहते हैं और लोगों से मिलना तो दूर की बात है, जब चुनाव आते हैं तब चुनावी वायदे करके फुफुस हो जाते हैं, लेकिन ये नवनीत लाल नीनामा ये एक ऐसा नाम है जब मीन्स जमीन से जुड़ा हुआ नेता आपने पहले भी उसके में आपका देख सकते हैं कि उनका बिहेवियर सबसे उनके मैं भी बड़ा होकर उनकी तरह बनना चाहता हूँ। हमारे बाबूजी स्कूल में आते हैं और पढ़ाई के बारे में बोलते हैं कि पढ़ाई करो और पढ़ाई पढ़ लिख कर आगे बढ़ो और पहले पढ़ाई करो और नौकरी पर लग कर फिर शादी करो। हमारे बाबूजी सीधे साधे हैं, स्कूल में आते हैं और पास हो जाते हैं, इनाम भी देते हैं। हमारे बाबूजी भी शुरू से जैसे उनकी जो परंपरा के हिसाब से ही रहते हैं और मैं भी इसी में रहता हूँ और मेरे मित्र और कई लोग मुझे कहते हैं कि बाबूजी ने अभी तक कुछ नहीं किया और हम भी ये देख रहे हैं कि बाबूजी शुरू से मतलब इनकी जो परंपरा की जो नीति है इनके हिसाब से ही रहते हैं ये और अभी तक नहीं तो कई लोगों ने कई सारे मतलब मकान बना दिए, अच्छे अच्छे गाड़ियां खरीद ली और कई लोगों के तो पंप वगैरह हैं, पेट्रोल पंप भी डाल दिए हैं, लेकिन हमारे बहूजी ने तो अभी तक कुछ नहीं किया और मैं भी उसी के साथ में काम करता हूं और उनके ही विचार के हिसाब से चलता हूं। हमारे बाबूजी 4 बार MLA रह चुके तो फिर भी गैस सिलेंडर पक्का मकान वो नहीं बनाया है, फिर भी अभी गांव में जा रहे तो फिर हमको साथ में ले जाते कि ये जान पहचान हो जाए। फिर गाड़ी घोड़ा वो कैसे चलना कैसे उठना बैठना बाबूजी अभी भी सिखा रहे और सरपंच साहब सीखे उसके बाद में अभी भी मेरे को सिखा रहे बाबूजी के ज़्यादा अपन को ईमानदारी से काम करना, व्यवहार रखना, किसी से प्यार रखना, कोई इकराती बात नहीं करते बाबूजी। तो फिर भी मैं मन में सोचती हूँ इसी उम्र में बाबूजी अभी भी शिक्षा दे रहे तो अपन भी अपने बच्चा को शिक्षा दे सकते। अपन कम पढ़े तो कोई बात नहीं, बच्चा तो आगे पढ़ाना ही है। इतना देखा मैं 25 साल आ गए अजू तक गलत शब्द बाबूजी ने नहीं कहा, अभी भी सिर पे हाथ रख के बेटा खुश रहो यूं ही बोलता था। सबसे भगवान के मेहरबानी से मैं यूं ही कहना चाहती हूँ भगवान को से 7 जन्म तक मेरे सुसर जी यही मिले, अगला अवतार में भी बाबूजी यही मेरे प्रार्थना है।
तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ईटीवी राजस्थान।